आज मैं आपको एक बिरयानी की रेसिपी बताऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि एक बार आप मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई कीजिए, सबसे बेस्ट बनेगी। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे बिरयानी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेगी। स्वागत है आपका सुरती एग रेसिपीज़ में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप देख सको। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। सबसे पहले एक कप दही लेना है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाना है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिलाएंगे, उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। अब इसमें मिलाएंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर मिलाएंगे 1/4 टीस्पून। अब इसमें नमक मिला देंगे, नमक हल्का सा ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें बहुत सारा चावल आएगा, तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार से थोड़ा ज्यादा नमक लेना है। अब एक चम्मच से सब कुछ बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। ये जो मिश्रण है वो एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए, ये देखिए। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम 1 टीस्पून तेल लेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। अब गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 3 उबले हुए अंडे, इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसके ऊपर तेल लग जाए। यहां पे मैं जो क्वांटिटी बता रहा हूं वो 2 लोगों के लिए काफी हो जाएगी। अब हम इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला देंगे, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाल देना है, उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, और उसके बाद थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे। सब कुछ फिर से अच्छे से मिला लेंगे, मसाले जो है वो जलने नहीं चाहिए, सिर्फ आधी मिनट के लिए इसे पकाना है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाएंगे। अभी ये तैयार है तो इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे, यहां पे भी आप चाहो तो घी ले सकते हो। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है तो वो डाल देंगे, 2 हरी इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालनी है और 5 साबुत काली मिर्च डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जीरा, जीरे को भी एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ प्याज, मैंने यहां पे एक प्याज लिया है जिसे लंबा काट लिया है। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है, वो थोड़े नरम हो जाने चाहिए। अभी प्याज नरम हो गए हैं, अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट मिलाएंगे और 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने काट के रखा था। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे, यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाना चाहिए। अब हम इसमें शिमला मिर्च मिलाएंगे, तो मैंने यहाँ पे 1 शिमला मिर्च लिया था, इसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसे अच्छे से मिला लेना है। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें मिलाएंगे टमाटर, टमाटर को मैंने लंबा काट लिया है और 1 टमाटर लिया है। अभी टमाटर को हम अच्छे से गलने देंगे। अभी आप देख सकते हो टमाटर हल्के से नरम होने लग गए हैं, तो इसी स्टेज पे हम मिला देंगे दही जिसमें हमने सारे मसाले किए थे। गैस की आंच एकदम धीमी कर देनी है, सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, उसके बाद 1 टेबलस्पून बिरस्ता मिलाएंगे। बिरस्ता यानी कि फ्राई किया हुआ प्याज, ये एकदम क्रिस्पी होता है, आप चाहो तो घर पे भी इसे बना सकते हो या फिर मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाता है। अब इसमें 8 से 10 पुदीने के पत्ते मिलाएंगे, बहुत ही जरूरी है, इसे एकदम बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसमें अंडे मिलाएंगे, तो अंडे को जो हमने शुरुआत में फ्राई करके रखे थे तो उसको ही मैंने मोटा काट लिया है। ये स्टेज पे गैस की फ्लेम बंद रहेगी। अंडा रखने के बाद इसके ऊपर फिर से हम बिरस्ता डालेंगे, यानी कि फ्राई किया हुआ प्याज। अब इसके ऊपर चावल डालेंगे, तो यहाँ पे जो लंबे दाना वाला चावल आता है बॉयल बासमती राइस, वो आपको लेना है, और चावल को मैंने पहले से उबाल के रखा था। बिरयानी के लिए चावल एकदम खिले खिले होना चाहिए। अभी चावल के ऊपर फिर से हम पुदीना डालेंगे, पुदीना के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे,
और इसके ऊपर फिर से बिरस्ता डालेंगे। तो टोटल मैंने 1/4 कप बिरस्ता लिया है पूरी रेसिपी में। बिरस्ता और पुदीना दोनों कंपलसरी है, तो ये आप जरूर डालिएगा। अभी फिर से गैस स्टार्ट कर देंगे। गैस की आंच एकदम धीमी रखेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान यही रखना है कि नीचे लगना नहीं चाहिए। आप चाहो तो एक तवा भी रख सकते हो पैन के नीचे। अभी इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे एकदम धीमी आंच पे। 15 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बिरयानी तैयार है। ये देखिए एकदम खिले खिले चावल वाली बिरयानी तैयार है। बिरयानी की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना।